أعوذ بالله من الشيطان اللقين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللانة الضائمة ولا قدائهم مجمعين ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا والشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ومن يستمع الآن يجد له شحابا رصدا وأن لا ندري يا شر أريد

तफसर कुरान भी तारीख़ अमीरमिन भी आपकी खदमत मुक़दस में मुसलसल एक ख़ास के तहत में के किनिगिन वली कर्न के ज़ैल में गुफ्तु जारी सारी है और आपकी खदमत मुक़दस में तुरै मुबारक जिन की मारूजात पेश करने से पहले कुछ दो मसाइल का बयान एक मसला उम्र से मुतालिक और दूसरा मसला नमाज से मुतालिक मुतक़रे से मुतालिक जो मसला इंतहाई अहम आमतौर पर उमरे पर जाने वाले मस्जिद हराम के इंतज़ामी मामलात में परेशान भी हो जाते हैं कि जो किताब से पढ़कर जा रहे हैं जब मस्जिद हराम में दाखिल होंगे तो आया किताब के मुताबिक ही माहौल मिलेगा या किताब के मुताबिक माहौल नहीं मिलेगा और अगर किताब के मुताबिक मिला तो बात ठीक और अगर किताब के मुताबिक ना मिला और आपके पास कोई और जरिया मालूम करने का ना हुआ तो फिर आपका ये उम्रा मुश्किलात का शिकार हो सकता है इसलिए बहुत अहमियत इस बात की है कि उम्र पे जाने वाला किसी ऐसे बाखबर आलिम दीन से रबते में रहे कि अगर मस्जिद हराम में दाखिल होने के बाद अब वो महसूस करे कि मुझे तो जो लिखा हुआ था उसके लिहाज से सहूलत नहीं मिल रही अब मैं क्या करूँ कौन बताएगा किताब नहीं बताएगी अब अब वो बताएगा कि जो मसाइले उमरा को बेहतर जानता हो और फिर आपसे इल्तम से रबता कीजिए किसी बाखबर आलिम से बाखबर हाजी से नहीं जद्दा में रहने वाले से नहीं मदीना में रहने वाले से नहीं मक्के में उमरा कराने वाले किसी आम लेबर से नहीं रहा कीजिए बाखबर आलिम से जो आपके रबते में आ सकता उस वक्त पर जबकि आप मस्जिद हराम में परेशान खड़े हो बस ये ख्याल कीजिएगा कि रहा करते वक्त अगर आप आगा सिस्तानी के मुखलिद हैं तो फोन का इस्तेमाल ऐसे कीजिएगा कि आपका कान कवर ना हो जाए क्योंकि तो मर्दों के लिए हालत एहराम में सर ढांपना भी हराम है सर कवर करना भी हराम और सर के साथ साथ कानों का कवर करना भी हराम, यानी हालत एहराम में मर्द हजरात मोबाइल इस तरह इस्तेमाल इस नहीं कर सकते तमाम उस उजाम के ये पूरा कान कवर नहीं हो सकता अलबत् कान का कुछ हिस्सा इसमें इख्तलाफ है आया छोटा स्पीकर जो कान में रखकर आवाज सुनी जा सकती है ब्लूटूथ के एतबार से उसका इस्तेमाल भी एक हद तक आगह सस्तानी के मुखल्दीन के लिए इजाजत दी गई तो यह ख्याल कीजिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल उस वक्त में भी जबकि आप बहुत मजबूर हैं और आपने इस्तेमाल करना ही करना तो ख्याल कि कान पूरा कवर न हो जाए और तरीके भी हैं मगर छोड़ देता हूँ बस इतनी बात याद रखी कि मसला सही आलिम से पूछी जो बाबर हो क्योंकि अंदर जाने के बाद खुदा बंदे आलम आपको सेहत व आफियत अता करे हमेशा तंदुरुस्ती हजार नेमत है इस दुआ पर आमीन कहना बाकी दुआओं के मुकाबले में ज्यादा अहम था बहाल कोई बात नहीं आपकी आहिस्ता आमीन ही सलवात पड़े मोहम्मद वाले कबला जब आंखें सही काम कर रही हो आंखों के लिए दुआ नहीं मांगी जाती जब तक दांत सही काम कर रहे हो दांतों के लिए दुआ नहीं मांगी जाती और चूंकि बात यहां तक पहुंच जाती है मेरी मजबूरी है कि बात कहीं से कहीं रोकता हूं फिर निकल जाती तो किसी ने सवाल कर लिया था मौलाना ये बताइए कि हालत रोज़ा में सबसे बड़ा मसला चाय कोई ऐसा रास्ता निकल आए कि रोजा भी रहे और चाय मिल जाए मैंने कहा अभी तक तो किसी मर्ज़े ने फतवा दिया नहीं और मैं मर्जे तो क्या आलिम तो क्या तालब इल्म के पैरों की खाक हूँ मैं क्या बयान कर सकता हूँ हाँ एक रास्ता बता देता हूँ अगर हालत रोज़ा में सर में दर्द हो जाए तो ना तो आप पेन किलर ले सकते टेबलेट औरल स्टाइल के अंदर मुंह से खाने वाली नहीं ले सकते ना चाय पी सकते हाँ दो रकत नमाज पढ़ सकते रिवायत इमाम जाफर सादिक दो रकत नमाज इसी नीयत से बराए दफ़े दर्द सर तर के दर्द को दूर करने के लिए दो रकत नमाज बजा लाता हूँ इस नमाज में किसी और को शामिल मत कीजिएगा कि सर में सिर्फ आपके दर्द है इसलिए मैंने वजाहत कर दी कि बसाओकात मुस्तहब नमाजों में औरों को शामिल कर रहे होते तो ये नमाज हर के दर्द को दूर करने की नमाज दो रकत नमाज पढ़िए और दोनों रक़ात में अलहम के बाद तीन मरतबा सर अखलास पढ़िए और तीन मरतबा सूर अखलास पढ़ने के बाद फिर सोर मरियम की एक आयत पढ़िए आयत कौन सी वाली आयत नंबर सात फिर भी आप चेक कीजिएगा जो अल्फाज में बता रहा हो आला रब्बी इन्नी वहनल अजम अलर रासो शेबा वलम अकुन वन एक रब्बी शकिया इस आयत को एक मरतबा रकत अवल में और एक मरतबा रकत दोवम में अलहम तीन मरतबा शोर अखलास और फिर ये आयत आयत जिसको समझ में आ गई और तो सर के दर्द का मसला समझ में आ गया ये परवरदिगार क्या कहा अल्लाह के नबी ने अल्लाह की बारगाह में ये परवरदिगार मुश्किल ये है कि मेरे सर के बाल सफेद हो गए वहनल अज्म हड्डियां कमजोर हो गई और हड्डियां कमजोर होने के बाद सर पर सफेदी ऐसे चमकने लगी जैसे अंधेरे में आग का शोला चमकता हो और ए परवरदिगार में कब कभी तो से दुआ मांगने के बाद महरूम नहीं रहा हो ये आयत पढ़िए एक वर्षा देख के पढ़ सकते हैं कोई हरज नहीं अब ये अलग बात है कोई कहे मौलाना दर्द सर है नमाज पढ़ना जिसके लिए उससे मुआजरत नमाज वस्तयीन व बेसब्र वला बात कहाँ से कहाँ पहुँची इसलिए पहुँची कि जब कभी मुश्किल पेश आए तो हालात तो वाकयात के एतबार से हमें और आपको चाहिए कि बाखबर उलमा से रबा करें मसला कब पेश आता है जबकि आप नॉर्मल तवाफ़ अगर ना कर सकें खुदा न खास्ता और व्हील चेयर पर तोाफ़ करना पड़ जाए तो व्हील चेयर के तवाफ़ का मसला ज़रा मुश्किल है या कभी कभी ऐसा हो जाता है इंसान सोचता है कि नीचे रश बहुत है मुताफ वाले सहन में या काबा मौजूद है तो लाओ क्यों ना ऊपर के फिलोर से तवाफ कर लिया जाए ऊपर के फ्लोर का मतलब या तो वो फ्लोर जिसको एम फ्लोर कहा जाता है अब पहले ये ग्राउंड फ्लोर हुआ करता था मस्जिद के एरिए के तौर पर बाहर रोड से लगा हुआ और दूसरा फ्लोर जो फर्स्ट फ्लोर कहलाता है ये दो फ्लोर ऐसे हैं कि जिन पर आमतौर पे लोग तवाफ कर रहे होते खास तौर से व्हील वाले तो अगर कभी मसला व्हील चेयर का आपका हो जाए या आपके साथ कोई साथ में फैमिली मेंबर हो उसका हो जाए तो याद रखिए अगर सहने मुताफ में आपको जाने की इजाजत ना मिले तो आपको ये भेज देते हैं एम फ्लोर पर एम फ्लोर तो बरहाल खाने काबा की दीवार से बहुत नीचे है उस पर तो तवाफ बिल्कुल ठीक है व्हील चेयर पर बल्कि व्हील चेयर के अलावा भी ठीक है लेकिन तवाफ की नमाज पढ़ने के लिए आपको सहने मुताफ में आना पड़ेगा और सहने मुताफ का मतलब मकामी इब्राहिम के पीछे नमाज पढ़ना होगी लेकिन अगर व्हील चेयर पर जो आपके अजीज मौजूद हैं या अजीजा मौजूद उनके लिए अगर आना मुमकिन नहीं है तो फिर उनकी नियाबत नीचे तवाफ की नमाज के उनवान में की जाएगी बात वाजे हो गई और उसके बाद मसला फर्स्ट फ्लोर का उसमें चौकी ओलमा में इख्तलाफ है जिसके नजदीक ये बात साबित शुदा हो जाए कि यह फ्लोर नीचे काबे से और काबा कदम के लिहाज से चलने वालों के एक बालिश भी ऊपर है फ्लोर से उस फ्लोर से जहां आप चल रहे एक बालिश भी ऊपर तो तवाफ से जब यकीन हो जाए तो तवाफ किया जा सकता लेकिन तवाफ के बाद तवाफ की नमाज पढ़ने के लिए वाजिब तवाफ की नमाज मुकामे इब्राहिम के पीछे तो व्हील चेयर का एक छोटा सा मसाला आपकी खिदमत में कि नीचे वाले फ्लोर जिसको एम कहते हैं उस पर कराइए या ऊपर कराइए ऊपर उस वक्त कराइए जबकि आपको यकीन हो जाए कि ये फ्लोर काबे से नीचे डाउन है तब कराइए वरना फिर नयाबत होगी तवाफ़ की भी और तवाफ़ की नमाज की भी उसके लिए इसको यकीन हो कि जहां मुझे भेजा गया है वो फ्लोर काबे से ऊपर है और काबा उससे नीचे है और चूंकि बात यहाँ तक आई तो नमाज का बड़ा अहम मसला ये नमाज का मसला कुर्सी के अतबार से यहाँ भी पेश आता है और मस्जिद हराम में जाने वालों के लिए तो बहराल पेश आता ही आता कि वहाँ कुर्सी का इस्तेमाल इस तरह करने से आपके यहाँ पर है तो कुर्सी पर नमाज कब पढ़ी जाए जबकि इंसान नॉर्मल नमाज पढ़ने से आजिज हो जाए और जितना आजिज हो उतनी ही इजाजत है ऐसा नहीं है कि आज इज हो टेन परसेंट और नमाज पढ़ ले पूरी हंड्रेड परसेंट कुर्सी पे बैठ ऐसा नहीं है तो जितना उसको कयाम के लिए खड़े होने का इम्कान तो कयाम खड़े होकर ही करना होगा अगर मसला उसका रुकू का नहीं है तो रुकू नॉर्मल ही करना वाजिब है और रुकू के बाद अगर जमीन पर बैठ के सजदा करने का इम्कान इतना है पेशानी डाउन नहीं कर सकता तो जितनी डाउन कर सकता है उतनी डाउन करे फिर सजदगा के मकाम को अप कर ले बुलंद कर ले ताकि पेशानी उस मकाम तक पहुंचा दे पेशानी को मकाम सजदगा के बुलंद होने के बाद उस पर रख दे और बाकी जो आजाए सजदा हैं उन्हें जमीन पर वैसे ही लगाए जैसे आम हालात में सजदे में लगाए जाते हैं याद रखिए ऐसा नहीं होता कि उंगली अगर पकड़ाई जाए तो हाथ पकड़ लिया जाए अगर आपके कमर में तकलीफ है तो आप कयाम भी बैठे बैठे कर लें ऐसा नहीं हो सकता ये दो मसले अलग अलग एक सर्वाइकल प्रॉब्लम है और एक बेकबोन प्रॉब्लम है एक कमर के मोड़ने का मसला है एक गर्दन का मसला है या आपकी प्रॉब्लम सजदे में सर झुकाने वाली है या कमर को मूव करने वाली है उस लिहाज से आप अपनी जिम्मेदारी को पहचानिए और कुर्सी को छोड़कर आयतुल कुर्सी पढ़िए असल पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद ये तो बात थी पाकिस्तान के हा, सियासी हालात के पस मंजर में कुर्सी क्या है आयतुल कुर्सी क्या है अब कितना खौफ है कुर्सी वालों को कि पढ़ रहे हैं आयतुल कुर्सी खैर सूरह मुबारक के जिन में आ जाइए और सूरह मुबारक जिन की कुछ आयात आपकी खिदमत में बयान हो चुकी हैं कुछ आयात बयान करना मकसूद है कल हमारी बात पहुंची थी कि वह वलदा सूरह नाह की आयत नंबर एक सौ अट्ठावन में ये काफिरों का कौल खुदा ने नकल किया किताब मजीद में काफिर कहते थे जअलूब और बैनल जिन ने वो कहते थे खुदा और जिनों के दरमियान रिश्तेदारी कायम है कि खुदा के औलाद है खुदा की बीवी के साथ और खुदा की शरीक हयात तो व कौमे जिन की खातून को करार देते काफिर इसे कुरान ने बयान किया है लेकिन अब मसला एक बहुत अहम कि परवरदिगार आलम अपनी शान को बयान करने के लिए सबसे बेहतरीन सूर सूर इखलास लम यलिद वलम यूलद वलम वम कुफ़वन अहद जो आखिरी जुमला है खुदा का कोई हमसर नहीं है और आम तौर पर उर्दू जुबान में शरीक हयात को हमसर कहा जाता था अब तो अहलिया भी नहीं कहा जाता और हमसर भी नहीं कहा जाता हो सकता है दर्द सर कहते हूं अलग बात लेकिन बहरहाल आपकी बात नहीं हो रही ये तो किसी और की बात कर रहे हैं तो मसला कि खुदा बंद आलम ने किसी को इख्तियार नहीं किया साहेबतन वाला वाल न किसी को बीवी बनाया ना उसकी कोई औलाद इस तरह से है हाँ सब के सब उसकी औलाद है मगर किस बुनियाद पर रबूबियत की बुनियाद बुनियादान तोहीद तोहीद के बेटे असलकम या अलफ़राओ अयाल्ला जितने तंग दस सब अल्लाह के अयाल हैं आल कहें अल कहें फरजंदान कहें मगर ये रबूबियत के माना के अतबार से ना कि नसबियत के माना के अतबार से तो कौम जिन के वो अफराद जो मुसलमान हुए और कौम जिन के अफराद मुसलमान हुए हालांकि इनके मुसलमान होने का बड़ा मसला ये कहते थे अपने रब की शान बयान करते हुए अल्लाह अकबर वो अन्न काना यकूलो सहीफुना अल्लाह शतता कहते थे कि हमारा एक सफ़ी है सफी किसे कहते हैं सफ़ी कहते हैं अहमक को बेवकूफ को मगर हो सकता है कोई आलिम भी सफ़ी हो हो सकता है कोई आबिद भी सफी हो क्या मतलब क़िबला? अहमक होना किसी की जाति मीरास तो नहीं है कोई भी बेवकूफ हो सकता है और इल्म हासिल कर लेने वाला जब तक इल्म पर अमल ना करे वो अक्लमंद नहीं होता और कौम जिन में से एक मिसाल हमारे सामने मौजूद इसका असल नाम तो हारिस था फिर कभी शैतान का मौजू उठाएंगे तो खास शैतान की फैमिली लाइफ के बारे में बात करेंगे कि शैतान का असल नाम क्या था उसका लकब क्या था उसके बाप का नाम क्या था उसकी माँ का नाम वो अलग मौजू जुबान पर जुमला इसलिए आ गया कि पूरी बहस यह है कि खुदा ने जिन को इंसान से पहले बनाया और इंसानों से पहले हालांकि इंसान बहुत कदीम आबादी है पर रिवायत इमाम जाफर सदिकताब अलबिहार के एतबार से इमाम की रिवायत आप फरमाते हैं कि तुम क्या समझते हो कि तुम अकेले बशर हो अल्लाह ने तुमसे पहले किसी बशर को बनाया नहीं है तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो अल्लाह ने तुमसे पहले भी बशर बनाए हैं दस लाख आलम बनाए और दस लाख आदम बनाए और तुम इस आखिरी आदम की औलाद आखिरी बशर हो तो जिन कब पैदा हुए दस लाख आलम और दस लाख आदम और जिन हैं अव्वल आदम से पहले खुदा ने जिन बनाए आदम है सलाम से पहले और जिन्होंने सरजमीन को इस्तेमाल की या आदम के इस्तेमाल से पहले और इतना हंगामा डाला जिन्होंने इसका मतलब है कि जिन भी लड़ते बढ़ते हैं खाली ये हरकत इंसान ही नहीं करते माशाल्लाह सुभान अल्लाह जिन भी करते और इतना लड़े कि जमीन पे फितना और फसाद खत्म कराने के लिए खुदा ने आसमान से सिक्योरिटी भेजी मलाइका की इन जो अगला आश्रा मलाइका के बारे में तो मलाइका की अकसाम क्या है उनकी जिम्मेदारियां क्या हैं उनकी पहचान क्या है वो कब आ सकते हैं कब बुलाए जाते हैं वो अलग मोज फिलहाल तो जिन का मसला तो ये जिन इतने फैले हुए रुए जमीन के सारे चप्पे चप्पे पर जिन ही जिन मौजूद थे तो फरिश्तों ने आकर उनके फितना फसाद को खत्म किया इनमें से हारिस नामी जिन जो था वो फरिश्तों के साथ इतना सीधा हुआ इतना सीधा हुआ कि फरिश्ता बन गया जितना सीधा बाहर से था उतना टेढ़ा अंदर से था इसलिए किसी को महफिल में खामोश बैठे हुए देखकर उसको शरीफ समझना खतरनाक है क्या पता कोई कब अपनी शराफत के लिबादे से बाहर निकल आए कभी सियासी शराफत और कभी जाहली शराफत बात वाज हो रही तो ये कौम जिनका ही फर्ज है जिसका नाम है इबलीस जो बाद में रखा गया जिससे फरिश्ते साथ में ले गए थे तो ये कहने लगे जिन्हों के अफराज जो मुसलमान हो गए ईमान लेकर आए वो रात बड़ी अजीब थी जब अल्लाह के रसूल को ढूंढ रहे थे हो सकता है ये सवाल बड़ा अहम हो आपके लिए जिन वाली रात जिन वाली रात अल्लाह के रसूल एक रात के लिए गायब हो गए थे और सब के सब ढूंढ रहे थे असाब पैगंबर कहां गए कहां गए कहां गए कहीं खबर न थी पैगंबर की और उसके बाद जब ढूंढते-ढूंढते रात के बाद सुबह नमूदार हुई तो पैगंबर को हरा की जानिब से वापस आते हुए देखा गया तो असहाब जीवार जो आपके खालिस और मुखलिस थे वो रोने लगे या नबी अल्लाह आप कहाँ रह गए हमने आपको बड़ा तलाश किया तो आपने फरमाया मुझे जिन्हों की दावत पे जाना पड़ा तबलीग दीन के लिए तो रात भर जिन्हों के पास रहे पैगंबर और उन्हें कुरान सुनाते रहे पैगंबर और जिन कहते हैं जो इस्लाम लेकर आ गए ईमान लेकर आ गए वो कहते हैं कि वह अन्नहु काना यकुल सफी होना में से बेवकूफ वो अल्लाह पर झूठ बांधता शताता अल्लाह पर वो गलत अल्फाज इस्तेमाल करता था अल्लाह के बारे में गलत कहता था शैतान मरदूत की तरफ विशारा मैंने अभी आपसे कहा कि सफ़ी का मतलब है ऐसा आलिम जो बेअमल हो शैतान आलिम है शैतान आबिद भी है आबिद खुद खु जो अपने अपने जात को बलंद करने के लिए इबादत करे उसे आबिद खुद खु कहा जाता है और ये सफी हो सकता है। जो आलिम अपने इल्म पर अमल ना करे वो सफी हो सकता तो आयत में इस्तेमाल हुआ अन्ना उकाना यकूल सफी होना अल्लाह शा या अल्लाह पर झूठ बांध रहे थे हमारे में से एक शख्स कौन इबलीस इसका नाम था हारिस वो अन्ना जनन्ना जिन्न अल्लाह कजिबा। वो कहने लगे हम तो गुमान कर रहे थे कि कोई इंसान या कोई जिन खुदा पर क्या छूट बांधेगा अल्लाह हो अकबर एक सादा मिजाज जिनों की बात हो रही है जैसे सादा मिजाज इंसान इतनी जल्दी किसी के बहकावे में आ जाता अगर कोई ये कह दे कि यह अल्लाह की तरफ से है तो बेचारे अल्लाह का नाम सुनकर वैसे ही सर झुका लेते तो कौमे जिन के अफराद भी कहते कि हम तो ये गुमान भी नहीं कर सकते थे कि भला कोई खुदा के साथ झूठ बोलेगा कि खुदा की औलाद है खुदा की शरीक हयात है तो हम तो ये समझते रहे गुमान अच्छा करते रहे कि कोई झूठ बोल सकता है पैसे के लिए रोटी के लिए कपड़े के लिए मकान के लिए अल्लाह के लिए झूठ कौन बोलेगा अल्लाह बहुत गौर कीजिएगा वाकया एक अच्छा जुमला है कौम कि हम तो ये समझ रहे थे जो अल्लाह की खबर दे रहे हैं ये गलत नहीं कर रहे होंगे हमें क्या खबर थी कि ये गलत कह रहे और अब एक सवाल और सवाल किया गया मौलाए अली अलीब ने अभी तलब अतलम से और सवाल ये किया गया कि यह बताइए कि हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम आपके सामने जिन इंसान और शयातीन तीनों बाज ने लिखा कि शयातीन इंसान और परिंदे ये तीनों ये सब के सब आपके लश्कर में शामिल थे आपके ताबे फरमान थे तो ये बताइए कि अगर सुलेमान से अफजल है खत्म मरतबा वसल्लम तो अल्लाह के रसूल के इख्तियार में आपके पास जिन वगैरह हैं कि नहीं जैसे जनाबे सुलेमान के लिए जिन काम करते थे तो क्या खत्मीय मर्तबत के लिए भी जिन काम करते हैं कि नहीं करते अफजल तो वही हैं अगर मफजूल के पास जिन हो सकते हैं तो अफजल के पास जिन खादिम हैं कि नहीं हैं? इमाम ने यहूदी के सवाल के जवाब में इशात फरमाया बिल्कुल हैं। और सुलेमान के मुकाबले पर खुदा ने अफजल मकाम दिया हमारे हबीब को कैसे अफजल मकाम दिया कि उनके पास जो कौमे जिनके अफराद थे उनमें से काफिर भी थे जो मजबूरी में खदमत कर रहे थे और हबीब खुदा के पास जो जिन हैं वो इतात गुजार भी हैं अहले ईमान भी हैं और उनमें से जिनों के अशराफ के नौ उन्वाना बयान किए इमाम ने और ये इमाम फरमाते हैं कि परिगार ने मुशर किया मरतबत की नबूत के लिए अशराफ़ जिन में नो सरदारों को उन सरदारों के नाम उनमें से एक सरदार ऐसा है कि जिसको नसीबीन का जिन कहा जाता है बास बास ने नसीबैन पढ़ा ने नसीबीन पढ़ा एक इलाका है गालिबन इराक़ का हिस्सा कहा जाता था वहां का रहने वाला जिन पूरे कबीले का सरदार और रईस और ये इता गुजारे खत्म ये मरतबा फिर इमाम फरमाते है, आठ हैं बनी अम्र से बनी अम्र कौन आमिर की औलाद से आमिर कौन अल अहिजा मिनह जो अहिजा कहलाते थे उनमें से पहला नाम इन नौ नामों का इमाम ने बयान किया यहूदी के सवाल के जवाब में एक है शौजा एक है मजा और एक है अल हमलकान और एक है अल मरज़बान, एक है अल माज़मान, एक है नजा और एक है हाजिब और एक है हजब आठ हुए और नवे का नाम है अमर नौ नाम इमाम ने बयान किए कि कौम जिन के अशराफ पूरे कौम जिन जितने जिन खुदा ने बनाए उन सब में अफरा बुलंद जो हैं उनमें नाम दिए कि जिनको खुदा ने मुशर किया खत्म यह मरतबा वसल्लम के हो सकता है कि जाफर जिनका हवाला किसी मजलिस में आए लेकिन आज अभी उनवान नहीं बन रहा तो मैं अचानक यहां से करबला जा नहीं पाऊंगा ये तो मौला से यहूदी का सवाल था और मौला ने उनके नाम बयान किए और फिर कुरान का हवाला एक बात कुरान में कहाँ लिखी हुई है कोई ऐसा वाकया कुरान में है कि नहीं है तो आइए सूरह जिन के अलावा है और सूरह जिन के अलावा आइए सूरत अहकाफ के अंदर सूरत अहकाफ की आयत नंबर ट्वेंटी नाइन और ट्वेंटी नाइन से लेकर थर्टी टू तक उनतीस तीस इकतीस और बत्तीस है सारी आयात तर्जुमा आपकी खदमत में ताकि वहां तक पहुंच सके जहां मौला ने पहुंचाना चाह खुद मौलाए कायन ने अभी तलिबी आयात की तलावत की वो इसफ ना इले का देखिए सोरे जिन की इब्तदा क्या है कुल ओ है या एलिया यहां पैगाम क्या है वह इस सरफ ना और हमने याद करो उस वक्त को मोड़ दिया हमने सरफ ना मोड़ दिया हमने इलई का तेरी तरफ ए हबीब किसको मोड़ दिया नफरन मिनल जिन जिनों के एक गिरोह को नफर का मतलब यहां गिरोह नफरा मिन आप जानते नफर एक छोटी जमात और शायद इस जमात की वजहत में कितने लोग नौ लोग जो मौलाना फरमाए नफरम जिन यून अल के उनकी पहचान ये बनी कि वो कुरान को गौर से सुनते हैं फलम्मा हजरू हो जब वो हाजिर हो जाते हैं आलू तो वो नौ अफराद अपनी कौम और कबीलों से कहते हैं अन से तुर से सुनो कुरान को खुद कुरान सुनने के बाद फिर अपनी कौम से कहते हैं देखो आवाज मोहम्मद सुनो कुरान तो पढ़ रहे और आवाज मोहम्मद सुनो गौर से सुनो अन से तू खाली ना सुनो गौर से सुनो फलम कोसेम वल्लो महिम और फिर जब ये कुरान की तिलावत मुकम्मल हो जाती है तो ये अपने कौम की तरफ वापस पलट के जाते हैं ये नौ अफराद कुरान सुनने के बाद गौर से पलट के वापस जाते हैं कौम की तरफ और जाकर कौम को डराते हैं गोया ये पैगंबर की तरफ से पैगाम लेकर अपनी कौम में वापिस जाते हैं और अपनी कौम को कुरान सुनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मस्जिद कोफा में एक दरवाजा इस दरवाजे का कोई खास उनवान उस वक्त नहीं था लेकिन जब मौलाए कायनात ने अपने कैपिटल को मदीने से शिफ्ट किया कोफे की तरफ और फे की मस्जिद को आपने अपना बनाया दारुल हुकूमत कह ली खिलाफा कह ली या एवान सदर कह ली और वहीं पर आप बैठते थे आप खुतबा दे रहे थे मिंबर से दो रिवायात में से एक रिवायत पढ़ रहा हूं। कि अचानक उस दरवाजे मस्जिद से एक बहुत बड़ा सांप इसे अजहा कहा जाता है वो दाखिले मस्जिद हुआ इतना बड़ा था कि उसका सर ऊंट के बराबर था इतने बड़े सांप को देखा अगर सर बड़ा होगा तो किबला जिस्म भी बड़ा होगा लोग तो छोटे छोटे सांपों से डर जाते हैं यह तो सांपों के अब्बा जान आए थे जिनका सर ऊंट के बराबर था ही दाखिल हुआ मस्जिद में तो भगदड़ मच गई किबला कितना ही पुरसकून माहौल क्यों ना हो अगर हम और आप भी होते तो साइड में खिसक लेते कहीं ये हमें ना पूछ ले कि आपका नाम क्या है तो मजमा बिखर गया मुंतशिर हुआ इमाम मेम्बर से फरमा रहे थे आप घबराइए नहीं ये आपको कुछ नहीं कहेगा ये मुझसे मिलने आया है अब तो समझिए नीचे वाले और होते हैं ऊपर वाले और होते हैं आपसे मिलने नहीं आया मुझसे मिलने आया ये तुम्हें कुछ नहीं कहेगा रास्ता दे दो लोग एक तरफ हुए इमाम के फरमान पे मुतमिन हुए वो आगे बढ़ा और मिंबर के पास अपने वजूद को इतना बुलंद किया कि इमाम के करीब चेहरे के आ गया और उसने अपना बड़ा मुंह इमाम के कान की तरफ किया और सीटियां निकाल निकाल कर मौला से सवाल करने लगा और इमाम सीटियों ही की आवाज में उसको जवाब देने लगे नीचे वालों को खाली सीटियां समझने को मिली क्या खबर क्या सवाल किया था और क्या जवाब दिया गया उन्हें क्या खबर थी और कुछ देर में वापस उतर के वो चला गया लोगों ने इमाम से पूछा मोला ये सब क्या मसला था एक रिवायत तो ये वाली और इमाम ने जवाब में शायद फरमाया कि ये कौमे जिन में हमारा नुमाइंदा था हमारा सफीर इसके वालिद का इंतकाल हो गया था इसके वालिद की विकालत के बाद यह अपने लिए विकालत का सवाल लेकर आया इसका नाम था अम्र बिन उस्मान क्या नाम था इसका अम्र बिन उस्मान अक्सर तारीखों में नाम लिखा हुआ नहीं एक आध में नाम मिलेगा आपको कि इमाम ने उसका नाम भी बताया ये आया था अपना मसला लेकर हमने इससे कहा कि अब्बा का इंतकाल हुआ अल्लाह उनकी मफफरत करे हमने ताजियत की और हमने फिर उसे अपना नुमाइंदा करार दिया उसकी कौम के लिए या मस्जिद के किसी एक कोने से एक बहुत खूबसूरत सांप बिल के अंदर था इमाम ने फरमाया था कंबर से के सांप को निकाल के लाओ अंबर करीब पहुंचे आपको देखा सोचा हाथ लगाओ कि ना लगाऊ फिर ख्याल आया कि जब अली ने फरमाया है तो रब जाने थे अली जाने सांप को पकड़ा और जैसे ही सांप को पकड़ के बिल से बाहर निकाला उनके हाथ से स्लिप हुआ निकल के इमाम के करीब आ गया तो यह वाकया इस तरह पेश आया कि बिल से निकाला गया या दरवाजे से आया तो दरवाजे को लोगों ने इतना मशहूर किया कि उसको ही कहने लगे बाब अबान असदे वाला दरवाजा तो इसका मतलब कि जैसे सरकार खत्म ये मरतबत के लिए जिन्हों को खुदा ने मुस्खर किया मगर मुस्खर ऐसे नहीं किया कि खाली सर झुकाया हो ऐसे मुस्खर किया कि दिल भी झुका दिया फर्क यह है सोलेमान के लश्कर में सर झुकाने वाले थे मोहम्मद के लश्कर में दिल झुकाने वाले ये सोरहका की आयतों का तर्जुमा तो तो कर रहा था जब पलट के आए कौम की तरफ तो ने इंतज़ार किया खुदा के तरफ से डराने का हक अदा किया आलो या कौ मना फिर वो अपनी कौम से कहने लगे जिन हजरात अब क्या करें उर्दू में जिन का मतलब एक और लफ्ज भी।, भी जिन जिन से बात हो रही है वो जागते रहे सलवात पढ़े मोहम्मद क्या जिनकी बातें सुनकर सोने में शायद मजा ना आए तो कालू या कौमना तो कौमे जिनके ये नौ सरदार अपनी कौम से कहने लगे ए हमारी कौम इना समय ना किताबन हमने सुनी है एक किताब उन जिला मिमबाद मूसा जो तो नाजिल की गई मूसा के बाद मुसदेमा बैना है जो तस्दीक करती है अपनी गुजरी हुई तमाम किताबों की चूंकि कौमे जिनके लोग इस्लाम लाते रहे हर अंबिया के जमाने में मुसलमान भी होते थे काफिर भी होते थे ये जिनों की तशखीस में बातें इशल और भी आने वाली हैं। जनाब मूसा के बाद फिर अल्लाह के हबीब की खिदमत में आना यह हदी हक ऐसी किताब है जो हिदायत करती है हक की तरफ वह अला तरीकिन मुस्तकीम और हिदायत करती है राह मुस्तकीम की तरफ या को ये सारे अल्फाज जिनों के हैं जिन जिनसे कह रहे हैं और सुन रहे हैं इंसान जिन जिन से क्या कर रहे हैं यहां कौमाना अजीब ए हमारी कौम अजीबू लबा कहो जवाब दो दाई अल्लाह की तरफ बुलाने वाले पर किसको जवाब दो अल्लाह जो बुलाता है अल्लाह की तरफ खुदा सबको नसीब कर कर मौल्ला की जारात इन और जब कभी जाइए करबला मौल्ला तो शेख जाफर शोस्तली ने किताब खसाई से हुसैनिया में जो करामात लिखी अब्बा अब्दुल्ला के जायरीन के एतबार से रिवायात की रोशनी में उनमें से एक जिम्मेदारी यह भी लिखी कि जो करबला जाए वो सात मरतबा इमाम को लब्बा कहे क्योंकि इमाम ने सात मरतबा ही पुकारा था अगर अल्फाज क्या थे इमाम के और आपके अल्फाज क्या होंगे इमाम के अल्फाज हलमिन नासिर हल, हल मुगैस ज़ाब बिन इस तरह के अल्फाज थे तीन जुमले तो मारूफ हैं। हो सकता है इनकी तकरार हो नासिर मुगीस और जाब नासिर मददगार मुगीस फरियाद रस जाब हरम की हिफाजत करने वाला हरम से दुश्मनों को दूर करने वाले तो तीन जुमले इस्तेमाल हुए हो सकता है इसकी तकरार सात मरतबा हुई तो शेख जाफर लिखते हैं अपनी इस किताब में कि जो करबला जाए इमाम को सात मरतबा जवाब दे लब्बई का यादाई अल्लाह लब्बई का यादाई अल्लाह वही अल्फाज कुरानी मजीद तो दाइ्यला खत्म या मरतब को कहा गया या मौलाए कायनत को या अहल बहत अतहार अलहमसम को या कौम अजीब दाइल्ला व आमनू बही खाली जवाब ना दो बल्कि ईमान भी लाहो अगर जवाब और ईमान दोनों लेकर आ गए जवाब दिया और ईमान लाए तो याद रखो यखफिर या में जुनू बेकुम इसका मतलब जिनों में भी गुनाह का तस्वुर है खुदा तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा अगर जिनों में गुनाह का तस्वर ना होता तो ये गुनाहों की मखफरत का उनवान यहां पर मौजूद ना होता जैसे इंसान गुनाह करते हैं ऐसे जिन भी गुनाह करते हैं अज़ाबिन अलीम और तुम्हें पना देगा अपने दर्दनाक अज़ाब। इसका मतलब कि जैसे जहन्नुम इंसान गुनागारान के लिए है ऐसे जहन्नुम जिनों के लिए भी अब कल की बात फिर याद दिलाता हूं कल की कौन सी बात जो तलवार मौला की थी और तलवार मौला की थी और चली किस पर आग से बने हुए हालांकि तलवार लोहे की अगर हो और उसे आग में डाला जाए तो पिघल जाए यह कौन सी तलवार है जब ये समझ में आ जाए तो इमाम जमाना की तलवार समझ में आ जाए जुल्फिकार जिनों पे चली जिन तो आग से बने हुए तो जिन क्या तलवार से कट थे और ना तो चाहिए तक तलवार पिघल जाती लेकिन तलवार नहीं पिघली जिन अपने अंजाम को पहुंच गए अब रिवायत जो इमाम की हम पढ़ रहे थे उसको मुकम्मल करेंगे मगर आयात के तर्जुमे के साथ वन लाइक जिबा आई अल्लाह और जो अल्लाह की पुकार पे जवाब न दे या ना अजीबू पहली बात तो यह कि ए हमारी कौम जवाब दो अल्लाह Allah की तरफ बुलाने वाले को सॉरी अल्लाह को नहीं अल्लाह की तरफ बुलाने वाले को फिर का जो जवाब ना दे वो खुदा को जमीन में आजिज नहीं कर सकता ऐसा नहीं है कि कोई जिन खुदा को आजिज कर दे यहाँ से वहाँ दौड़ जाता है वहाँ से वहाँ दौड़ जाता है वहां से वहाँ दौड़ जाता है, है। अल्लाह कहाँ पकड़ेगा उसे आइए इसका जवाब चाहिए सूरह मुबारक रहमान पढ़िए आयत नंबर थर्टी वन तफर अये कलान फब अये अलाब

और फिर हम मुकम्मल तौर तो पर तुम्हारा हिसाब करेंगे ग्रो जिन और इंसीर बयान नहीं कर रहा इसकी और ना बात नहीं और, नहीं। खल करूं। और फिर तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों तो को होगा रब कुमा कुमा में दो शामिल है एक जिन और एक इंस अल्लाह तो जैसे इंसान मुकल्लफ है ऐसे जिन मुकल्लफ है जैसे इंसान तकलीद करता है मर्जी की ऐसे जिन भी तकलीद करता है मर्जी की मुक़ल्लफ़ है और हर मुकलफ जमाने इमाम जमान में या मुश्त है या मुहताज है या मुकल चाहे वो इंसान हो या जिन और के ये बात कल आ चुकी कि क्या जिनों में से कोई मर्जी होता है या जे इंसानों में से तो मैं आपसे पूछता हूं बताइए इमाम जमाना के नाइबी ने खसूसी चार थे चारों इंसान थे कि जिन हम कहीं दो इंसान हो धलवाद पढ़े मोहम्मद वाले और हो सकता कि वहां का निजाम मरजियत के एतबार से उनके जिम्मेदार और भी हो सकते हैं जिप फिल अल्लाह तुम अगर जवाब न दो रसूल अल्लाह को तो क्या समझते हो कि क्या तुम अल्लाह को जमीन में आज़िस कर दोगे ग्रोहे जिन और इन अगर तुम जोर लगाओ कि जमीन के किनारों से निकल सकते हो तो निकल जाओ ये खुदा की हुकूमत से भागने वाला मसला व आय मिन हुकूमत वालायम कि नफरारो मिन हुकूमत तेरी हुकूमत से भाग कर निकलना ना इंसान के लिए मुमकिन है और ना जिन के लिए मुमकिन लातन फजूना बुल्तान जब तक तुम्हें खुदाई ताकत ना मिले सलाहियत ना मिले सुल्तान ना मिले तब तक तुम निकल नहीं सकते तो ना जिन कहीं भाग के जा सकता है खुदा की खुदलत से ना इंसान वलहीन दून ही औलिया ओलाफी गला मुबीन और याद रखो अल्लाह के सिवा फिर कोई तुम्हारा वली नहीं होगा और अगर अल्लाह को छोड़कर तुमने किसी और का दामन थाम लिया तो फिर गुमराही में ऐसी गुमराही में खुली गुमराही होगी पड़ अहकाफ आयत नंबर से आयत नंबर बत्तीस तक ट्वेंटी से थर्टी टू तक आज की हद तक बात रोकते हैं कि वक्त हमारे हाथ से निकल चुका बाकी बातें इंशाला कल कौमे जिन के मसाइल और फिर जाते जाते खाली एक जुमला आपकी खिदमत में और जुमला करबला के मैदान से करबला के मैदान से क्या जुमला एक जाफर जिन तफसील नहीं खाली नाम काफी है एक जिन इंसान कितने थे इंसान कम अज कम बहत्तर बहत्तर से ज्यादा की फिगर में इख्तलाफ है मगर बहत्तर की फिगर में इख्तलाफ नहीं है एक सौ दो या उससे ज्यादा तीन सौ बीस तक फिगर गई है लेकिन कम अज कम बहत्तर बहत्तर इंसान थे और एक जिन का वाकया मिलता है, जाफर जिन लेकिन करबला के मैदान में शहादत का शरफ इंसानों को मिला किसी जिन को नहीं मिला मौजू अलग है लेकिन हम सब इंसानों के लिए और तमाम कौम जिन के लिए काबिल फख्र है करबला के शहीद जैसे हम कहते हैं ना ऐसे कौम जिन भी कहती है फयालई तनी कुंत मकुम ए अंसारा ने हुसैन काश में आपके साथ होता तो अजीम कामयाबी को हासिल कर लेता और आज दिल चाहता है कि ऐसे इंसान की दास्तान को आपकी खदमत में दोहराऊं जो इंसान इंसानों के लिए वाक रहनुमा बन गया उसकी इब्तदा क्या थी उसकी इंतहा क्या हो गई रात कैसे गुजारी आंसुओं के साथ और सुबह को इमाम की खिदमत ने मख़फ़रत की नवीद हो गई ये बताता है जुमला कि इंसान को गुनाह के बाद भी मायूस नहीं होना चाहिए बस एतराफ करे और हिम्मत करे एतराफ करे अपने गुनाह का हिम्मत करे हुजत खुदा की बारगाह में जाने की दरवाजा हुज्जत खुदा कल भी खुले हुए थे और आज भी खुले हुए हैं इंसान हुर बनना सीख जाए आज के हुसैन को भी उठाना आता है कोई हुर तो बने रात भर हुर की आंखों से नींद कोसों दूर थी सिर्फ सोता ही ना था बल्कि इस पर ना खाता था ना पीता था जब बेटे ने पूछा बेटे का नाम अली लिखा बाज मौर्रखी ने बाज ने लिखा नाम था बकीर बशीर के वजन पर तो पूछा बेटे ने बाप से बाबा क्या परेशानी है तो टहले जा रहा है ना खाता है ना पीता है अगर ये जंग की तुझे कैफियत तारी है तो ये बहत्तर प्यासे हैं हमारे पास तो लश्कर बड़ा है वो प्यासे हैं हम पानी पिए हुए अफराद हैं होर ने अजीब जुमला कहा होर कहता है हालांकि बेटा भी साथ साथ है एक खेमे के अंदर है होर कहता है बेटे से बेटा तेरे कानों में बच्चों की आवाज नहीं आती हम तो पानी पिए और जहरा की औलाद छोटे छोटे कूजे हाथों में लिए हुए अल आतश की सदाएं बुलंद कर पूछा बेटे ने बाबा में चाहता क्या है बेटा कल जब दिन नमुदार होगा तो खिदमत हुसैन में जाएंगे शायद जहरा का लाल हमारी खत्म कर दे अल्लाह अकबर रोने वालों बाकी सबका मकाम अपने तौर पर है पहचान है और का मकाम बिल्कुल अजीब सा है और इमाम की खिदमत में अकेले नहीं आया अपने बेटे के साथ आया है कम से कम एक रिवायत तो मजबूत यही वाली एक बेटे के साथ आया रिवायत जो इसके अलावा है वो तीन बेटे और भी हैं एक भाई और एक गुलाम की रिवायत भी है आया है अपने खान वादे के साथ यानी अपने भाई और बेटों गुलाम के साथ मगर कैसे आया कि हाथ बंधे हुए हैं निदामत से चेहरा झुका हुआ है और इमाम सीने से लगा के रोते हैं हर भाई क्या तवाजो करें आपकी किसी भी खैमे में एक कतरा भी पानी नहीं है एक कतरा भी पानी अगर होता तो हुसैन हो को पिला देते वह मुसीबत और कहता था ये सब मेरी वजह से हुआ ना आपका रास्ता रोका होता ना आपको घेर के लाया होता ना आप पर ये वक्त आया होता होर रोता था इमाम फरमाते थे और इन बातों को अब जाने दो मैंने तुम्हें माफ कर दिया बताओ तवाजो क्या करूं होर कहता है आका मेरी तवाजो करना चाहते आप मेरे बेटे को अपने ऊपर से कुर्बान होने की इजाजत दे दीजिए इमाम रोने लगे बड़ा मुश्किल सवाल किया था अजा हुसैन से बेटा मांगने वाले तो बहुत मिले हुसैन बे बेटा कुर्बान करने वाला करबला के मैदान में हुर मिला है ना अरे सारी माए सारे वो आ, सारे वालदे जो करबला में औलाद कुर्बान कर रहे थे उनका मकाम और था हुर का मकाम है। और कहता मौला मेरे बेटे को सबसे पहले भेज दे इमाम ने फरमाया और कैसी बातें कर रहे हो क्या कोई अपने मेहमान के बेटे को भी मरने के लिए भेज सकता है इसीलिए जब हुर ने मजबूर किया और हुर का जवान इमाम पे कुर्बान हुआ जमीन पे गिरते हुए आवाज़ दी बाबा सलाम मौला सलाम बाबा जल्दी आओ काटने की तैयारी है इमाम भी चले हुर भी चला मगर जब हुर पहुंचा तो अजीब मंजर देखा कि उससे पहले कोई बाप अपने जवान बेटे की आवाज पे कितना तेज दौड़ सकता है उस तरह समझिए कि हुर दौड़ के पहुंचा देखा उससे पहले सारा का लाल पहुंचा हुआ और खाली पहुंचा हुआ नहीं है बल्कि बैठ गए हैं हुर के जवान के सर को गोद में रख लिया अपनी आबा उतार के और के जवान के जख्मों पे डाल दी और ने करीब आकर का मौला से मौला आपने जहमत फरमाई मेरे बेटे ने आपको बुलाया तो नहीं था इमाम ने मोहब्बत से हुर के सर पे हाथ रखा और कैसी बातें करते हो तुम मेरे मेहमान हो क्या मैं अपने मेहमान के जवान की लाश पर बूढ़े बाप को अकेले आने देता मैं कहूंगा हाथों को जोड़ के माला आप भी तो किसी के मेहमान थे अरे काश कोई अकबर की लाश पर हुसैन से पहले आता के बूढ़ा बाप है की लाश <laughs> बारला वास्त महम्मद मोहम्मद का हमारी इस इबादत को अपनी बारगाह मेंबूलो मकबूल फरमा बारला वास्तव मोहम्मद मोहम्मद का परवरदगार फ़र्श अज़ा पे आने वाले हर एक मोमिन की हर एक मोमिना की हाजात शर या को पूरा फरमा बारसा मोहम्मद अल मोहम्मद का परवरदिगार ख़ास तौर से बीमार ममनिन ममिनत और जिनके बच्चे अलील हैं उन तमाम को कुशफाए कामिला आजला फरमा। परवदिगार खास तौर से ऐसे मरीज़ जो कैंसर के मर से मुब्तला हैं या ऐसे मरीज़ के जो आई सी यू में इंतहाई मुश्किल हालात में या वैंट पर डाल दिए गए हैं यह ऐसे मरीज़ जिनका इलाज मुमकिन न रहा हो तमाम कुशफाए कामिलार्मा बारला वास्त मोहम्मद मोहम्मद का जहाँ जहाँ मुसलमान मुश्किल हालात में हैं तमाम मजलूमों की दाद रसी फरमा बारला वास्त महम्मद मोहम्मद का परवरदगार कोई गम न दे सिवाए गम अल रसूल के बारला वास्तव मोहम्मद अल मोहम्मद का मरने से पहले करबलाए मौ की ज्यारत नसीब फरमा मरने के बाद करबला वालों की शफात नसीब फरमा जन्नत में करबला वालों के कदमों में ग़ुलामों को जगह नसीब फरमा इमाम ज़माना अलसलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा और हम सब को इमाम के अदना तरीन खिदमत गुजारों में शामिल फरमा आप से इतमास की जा रही है नाम लेकर फातिहा खानी के लिए तिलावत कीजिएगा आज की इफ्तार जिन मरहूम के इस साले शवाब के लिए थी उनके लिए सूर्य फातह के अल्तमास तो है मरहूम मोहम्मद हुसैन किरमानी मरहूमा मरियम बाई गिरमानी फैमिली के मरहूमिन वर्तेजा फैमिली के मरहूमिन आपके मरहूमिन मरहूम मुश्तिद्न शहदाय इस्लाम इमाम बारगा के वालंटियर्स के मरहूमिन इमाम बारगा के मरहूम वॉल्टियर्स और उन मरहूमिन को याद करते हुए जिनके लिए कोई सूर फातह पढ़ने वाला नहीं है अल्लाह मन करा अल मनकर